डॉक्टर मांडवी ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से भोपाल के एक बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मैंने अपने अस्पताल बनाने के लिए जो जमीन खरीदी उसे बिल्डर फर्जी तरीके से कॉलोनी काट रहा है और लोगों को बेच दी है। डॉक्टर ने SDM और नगर निगम में शिकायत की, मगर डॉक्टर की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि बिल्डर आज भी उस जगह पर निर्माण कर रहा है जो अवैध है। डॉक्टर ने बिलखेरिया थाने में भी शिकायत की और साथ ही SDM को भी ज्ञापन दिया। ADM ने संज्ञान में लेते हुए कॉलोनी पेज पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। शासकीय आदेश का उल्लंघन करते हुए इस कॉलोनी पर निर्माण कार्य चालू है। नगर निगम एवं विद्युत मंडल ने परमिशन भी दी है जो गलत है। डॉक्टर मांडवी साहू को की टीकमगढ़ की रहने वाली हैं और वह अस्पताल संचालित करती हैं। उनके फर्जी हस्ताक्षर करके रामदास साहू उर्फ राहुल, अनुज साहू, अंतेश आदि ने फर्जी रजिस्ट्री करा ली। RD साहू पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। RD साहू ने डॉक्टर मांडवी साहू के अलावा लगभग 500 लोगों के साथ जालसाजी व धोखाधड़ी की है, लेकिन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही। अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रही डॉक्टर मांडवी चौहान मीडिया से रूबरू हुए और बिल्डर RD साहू का पर्दाफाश करेंगे। डॉक्टर साहू का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बिल्डर द्वारा बिल्डर इतना पावरफुल है कि डॉक्टर मांडवी साहू को जान से मारने की धमकी दे रहा है। झूठे प्रकरण में फंसाने की साजिश कई बार साजिश कर चुका है, क्योंकि डॉक्टर मांडवी साहू एक क्लिनिक चलाते है। इस क्लिनिक को बंद कराने की भी कई बार धमकियां दे चुका है। जी, जो नाम बताइए आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मांडवी साहू है। जी बताइए, क्या मामला है, कैसे धोखाधड़ी हुई आपके साथ, किसने धोखाधड़ी करी है? जी, मेरा नाम डॉक्टर मांडवी साहू है, मैं टीकमगढ़ में हॉस्पिटल चलाती हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज भोपाल शिफ्ट होना चाह रही थी, यहाँ पर हॉस्पिटल डालना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आके कुछ जमीन खरीदी, परंतु कुछ बिल्डर हैं रामदास साहू, अनुज साहू, अंतेश शर्मा के द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। मैंने जो ज़मीन खरीदी वो 20 एकड़ की ज़मीन कोकता बाईपास पर है और पटवारी हलका नंबर 20 हुजूर में आती है। वहाँ पर जो ज़मीन है उसका नक्स अक्स पर बटान नहीं है। वैसे 36/1, 36/2, 36/3 का बटान है, लेकिन जो अक्स पे बटान ना होने के कारण उनके पास जो 5 एकड़ ज़मीन है वो जो 36/2 में है। ये रजिस्ट्री 36/2 से करते हैं और पजेशन 36/1 और 3 में दे रहे हैं। इनके पास ज़मीन मात्र 5 एकड़ है, लेकिन इनने जो लिस्ट दी है, ये मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, उसमें कम से कम 450 लोगों को पजेशन के लिए बात कर रखी है, एग्रीमेंट कर रखा है और 200 लोगों की रजिस्ट्री कर रखी है। नॉर्मली जो 1 एकड़ ज़मीन होती है उसमें 25,000 से 27,000 स्क्वायर फीट का प्लॉटिंग एरिया होता है। इन्होंने वो कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है, पूरी की पूरी 44,000 स्क्वायर फीट में 44,000 स्क्वायर फीट की ही रजिस्ट्री पूरी की पूरी कर दी है। ऑपोजिशन 1 और 3 में दिए जा रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, उन 450 लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है, जो पैसा गाड़ी मतलब अपने दिन भर की कमाई उन लोगों को दे रहे हैं। रामदास साहू के द्वारा इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है, देर सवेरे जेल जाएगा, लेकिन उन 450 लोगों को जिनके पैसे लगे हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे। वो कहीं कहीं शिकायत करी? मैंने 25 शिकायतें हैं, पूरा बंडल बना हुआ है। मैं जनवरी से जब मुझे ज्ञात हुआ तब से लेके आज तक मैं मात्र शिकायत ही कर रही हूँ। इस पर कोई कार्रवाई नहीं है? किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और ये कम से कम 60-70 करोड़ का मैटर है, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हो रही है, कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। वो 450 लोग हैं क्या आपके साथ? मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कब्जा वो मेरी ज़मीन पे दिलाता जा रहा है और उन लोगों को अभी ये समझ ही नहीं है कि भाई वो सोच रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री हो गई है, हमें ज़मीन मिल रही है, हमें क्या लेना देना, चूँकि उसमें बटान नहीं है। जिस दिन बटान हो जाएगा, मैंने नवंबर से बटान का केस लगा रखा है, बटान देर सवेर होगा ही, क्योंकि बटान मैंडेटरी है। मेरी 11.25 एकड़ ज़मीन है भाई, बटान का प्रोसीजर है जिसमें आप 1,800-1,500 स्क्वायर फीट के प्लॉट का बटान नहीं होता, लेकिन 11.25 एकड़ ज़मीन का बटान होता है। बटान होगा तो फिर इन जिनको ज़मीन खरीदी गई वो मेरे सामने खड़े होंगे कि भाई इनका कब्जा कर रहे हैं, वो कहेंगे हमें तो रजिस्ट्री 36/2 से हुई है। और उनमें से कुछ समझदार लोग ये जान रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया है, फौजरी हो गई है, लेकिन वो आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि उन्हें पता है रामदास जेल चला जाएगा, इनका पैसा इन्हें कभी नहीं मिलेगा। मैंने बिल्डर को पैसे नहीं दिए हैं, मैंने अपनी ज़मीन खरीदी हुई है भाई। ज़मीन के साथ मेरे साथ इनके साथ एक ही ज़मीन है जो 3 एकड़ की है, जो फर्म के नाम पर है। उसमें मैंने जो
उनको है, मतलब जो मालिक है, ज़मीन का मालिक था, उनको 1,40,00,000 रुपए दे के दोनों ने जॉइंट वेंचर में 3 एकड़ ज़मीन खरीदी है और 8 एकड़ 16 डेसिमल ज़मीन मेरी खुद के नाम पर है और मेरी इंडिविजुअल ज़मीन है, इसमें फर्म का कोई या पार्टनरशिप का कोई लेना देना नहीं है। और हमारे द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई है 11.25 एकड़, उसमें आज तक मेरे द्वारा कोई रजिस्ट्री नहीं की गई है वहाँ जाके। इन्होंने 23,000 स्क्वायर फीट का मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करके मेरे फर्जी दस्तखत करके भी रजिस्ट्री की है, जिसकी मैंने कंप्लेंट दे रखी है, जिस पे जांच चल रही है। जांच में हमें बोला गया, मैडम ये सिविल का मैटर है। भाई मेरे फर्जी दस्तखत करके अगर कोई मेरी रजिस्ट्री कराता है तो वो सिविल का मैटर कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ के बाहर है। फिर और भी मेरी ये अवैध कॉलोनी का मैटर है, मैंने हर डायरेक्शन में मैंने ट्राई किया। अवैध कॉलोनी के लिए भी मैंने SDM को दिया, जो मंत्री हैं उनको भी आवेदन दिया, उन सब ने ये जांच की कि ये अवैध कॉलोनी है, लेकिन हमारे शिवराज माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर आज भी नहीं चल रहा है। गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया, अपने CM सर को ज्ञापन दिया, मैंने ऊर्जा मंत्री को, क्योंकि वहाँ अवैध बिजली का कनेक्शन चल रहा है, अवैध कॉलोनी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, मैंने उस लेवल तक भी गई हूँ। तो वहाँ पर कार्यवाही के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे नोटिस दिया जा रहा है कि आपकी ज़मीन पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। भाई मेरी ज़मीन पे मैं कंप्लेनेंट हूँ, आप आके बुलडोजर चलाइए ना, मैं तो कह रही हूँ जिस दिन बुलडोजर वहाँ पर चल जाएगा ना 400 कंप्लेनेंट मिलेंगे, क्योंकि भाई उनको तो गलत पोजीशन दिया जा रहा है। अगर मेरे इसकी कार्यवाही, वैसे मुझे, मैंने अभी कल मैं कलेक्टर सर से मिली हूँ, मेरा मेन प्रॉब्लम है बटान हो जाए, बटान के लिए मैं कल कलेक्टर सर से मिली हूँ, उन्होंने मैं जितनी बार भी कलेक्टर सर से मिली हूँ उनने मतलब SDM सर या उन लोगों को तत्काल फ़ोन लगाया है, लेकिन फिर भी वो इतना स्लो प्रोसीजर में काम चल रहा है जब तक पूरी कॉलोनी बस जाएगी। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं, मैंने थाने में कंप्लेंट की है और IG DIG SP सबको कंप्लेंट की है, क्योंकि इंक्वायरी उनको करना है इस चीज़ की, है ना, पुलिस को इंक्वायरी करनी है। और इसके बाद और मेरी जान को, भैया मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उसने मुझसे बोला है कि मैडम 10,00,000 में तो मैं अपनी जमानत कर लूँगा, 50,00,000 में मैडम पूरा केस निपट जाएगा। और ये जो ज़मीन है वो मेरे नाम पे ही कम से कम 12 करोड़ की ज़मीन है, वो मेरी जान को कभी भी कुछ हो सकता है। अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने अपना डाइंग डिक्लेरेशन अभी से बना के रखा है कि वो जो मैंने कि मेरी मृत्यु के कौन कौन जिम्मेदार होंगे। मैं अकेली महिला हूँ, टीकमगढ़ से आती हूँ, ट्रेन से आती हूँ, रात को 2 बजे पहुँचती हूँ, 1 बजे पहुँचती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस चीज़ की मैंने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन बना रखी है कि मेरे मरने के बाद ये लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे। ये 3 लोग तो स्पेशली मेन विक्टिम्स हैं, अंतेश शर्मा, रामदास साहू, अनुज साहू, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ लोग एजेंट के तौर पर भी काम किया है, जिसमें रोहित शर्मा, संजय मुदगल, मेरे द्वारा जो पैसे दिए गए हैं, अभी और भी बहुत सारे इसमें जो एजेंट लोग हैं जिनने पैसे खाए हैं इस ज़मीन में। हम चाहते हैं कि 60-70 करोड़ का पूरी इनकी स्टेटमेंट का चेक हो, किस किसने पैसे खाए हैं, जिस जिसने पैसे खाए हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। और इसको अभी नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा किसी का एक ना किसी का मर्डर होगा उसमें, उस ज़मीन में ज़रूर मर्डर होगा, हो सकता है मेरा ही हो वो। मेरा नाम डॉक्टर मांडवी साहू है।